नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने नीलम पार्क में धरना दिया। संविदा कर्मचारी लंबे वक्त से नियमितीकरण और बहाल कर्मचारियों की वापसी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि सीएम शिवराज कई बार संविदा व्यवस्था और नई नीति बनाने को लेकर घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहीं हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भी इसको लेकर नियम बनाने की बात आई थी, मगर कोई प्रस्ताव बैठक में नहीं आया। आप ही आदरणीय मीडिया के समक्ष कई बार कहा है, क्योंकि अंतिम मई का ये जो कैबिनेट का निर्णय आया संविदा, उसमें कहीं भी हमको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश संविदा मुक्त होने जा रहा है या निष्कासित साथी बहाल होने जा रहे हैं। इसको लेकर के हमने 34 संगठनों से वार्ता की और आज पूरे संगठन आज हमारे आह्वान पर यहाँ पे आए हैं और आज हमारे रोजगार सहायक संघ के जो हमारे सदस्य वो भी हमारे साथ हैं और हम रोजगार सहायक संघ की मांग लेंगे और साथ में अपने 34 विभागों के संविदा के नियमितीकरण की मांग लेंगे और जो हमारे निष्कासित हैं उनकी बहाली की मांग लेंगे तीनों को एक करके। और हम शासन से हाथ पार करने जा रहे हैं, उसका संघनाद आज से होगा। हम सतत रूप से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है हम कहीं ना कहीं सीएम हाउस का घेराव तो क्या, हम पीएम हाउस का घेराव भी करने के लिए संकल्पित हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।